घाटी में है। और बताते चले कि उधर श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने आतंकियों की पूरी साजिश को नाकाम कर दिया, जबकि पुंछ में आतंकियों की तलाश में सातवें दिन भी बहुत बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। सुरक्षा बल ने आतंकियों के मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुंछ से आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया, जबकि सीमा पार से पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। तो पुंछ में फुल एंड फाइनल करने की तैयारी में इस वक्त भारतीय सेना जुटी हुई है। बताते चले कि राजनाथ सिंह भी दौरे पर है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात की थी और इस दौरान उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है जो आतंकियों के मददगार हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ साथ श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लगातार लोगों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने सेना के कमांडरों के साथ राजौरी का दौरा किया, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने सेना को आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि सरकार और देश सेना के साथ है। रक्षा मंत्री कमांडरों के साथ बैठक करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है, आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। खबर है कि भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान ने LOC से सटे जंगलों में आग लगाई और इस आग की आड़ में भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी एजेंसी ISI का तरीका है और कुछ दिन पहले ऐसी ही कोशिश खौर सेक्टर में की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवाएपोरा में संदिग्ध IED मिला है। संदिग्ध IED मिलने के बाद बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद है।